भाई तुझे इतने दिन से खांसी हो रही है, डॉक्टर को दिखाया है? नहीं अरे ये सिर्फ नॉर्मल खांसी आती जाती रहती है, कोई नहीं। नहीं भाई, मैंने देखा है, ये बाद में दिक्कत कर देती। अरे तू ज्ञान मत दे यार, ज्यादा डॉक्टर मत बन भाई, तू वीडियो चलाया। ठीक है। ये क्या है? लगता है अब तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे यार, क्या हो भाई? आज जब मैं खांस रहा था तो मेरे मुंह से खून निकला। भाई मैंने तो पहले ही कहा था कि आगे दिक्कत होगी, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। भाई अब क्या इलाज है इसका? भाई अब तो एक इलाज है, डॉक्टर के पास चलते हैं जल्दी से जल्दी। मुझे पहले ही डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए था। कोई बात नहीं भाई, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, अब चलते हैं। चलो भाई। आज जब मुझे खांसी हुई तो मेरे मुंह से खून निकला। लगभग आपको खांसी आते कितना टाइम हो गया? दो हफ्ते। अच्छा, आपको और क्या क्या समस्या है आपकी? मुझे बुखार रहता है, थकावट भी महसूस होती है। आपके सीने में भी दर्द रहता है? जी हाँ। आपका नाम? मुकेश। आपकी उम्र? 20। मैं ये आपको बलगम की जांच और एक्सरे लिख के दे रहा हूँ, और ये हमारे सरकारी अस्पताल में मुफ्त है एकदम। और जब ये रिपोर्ट आ जाए आप उसके बाद आके मुझे एक बार और मिलेगा। आपकी तो टीवी बंद क्यों? अरे यार, देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, डोज प्रणाली द्वारा टीबी का इलाज संभव है। अब तो पैसे की भी दिक्कत होगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम से इस बीमारी का इलाज भी खर्चा आएगा, वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये तो अच्छी बात है। आपने तो बस आने में थोड़ी देर कर दी, वरना ऐसी कोई नौबत आती नहीं। अब तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको खाना एकदम पौष्टिक खाना है और नियमित रूप से अपनी दवाई लेनी है। यदि आपको 2 सप्ताह या उससे अधिक दिनों तक खांसी रहती है तो यह एक टीबी का लक्षण हो सकता है, इसीलिए जल्द से जल्द बिना कोई लापरवाही बरते हुए आसपास के नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। यदि आपको टीबी हो भी जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसका इलाज पूर्ण रूप से संभव। यदि टीबी के लक्षण आपको आपके किसी परिचित में दिखें तो उसे जल्द से जल्द आसपास के नजदीकी डॉक्टर से सलाह दिलवाएं। भारत सरकार द्वारा टीबी से बचने के लिए कई मुफ्त योजनाएं बनाई गई, जिसके तहत हमें भारत को 2025 तक एक टीबी मुक्त देश बनाना है, और यह सब आपके सहयोग के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। अरे तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे टीबी हो रही, तुम्हें भी हो सकती है। अरे भाई कोई बात नहीं है, बस तू खांसते वक्त मुंह पे रुमाल रखा कर। और ये खिड़कियां वगैरह भी खुला रखा कर, गेट वेट। आइए आप और हम सब मिलकर भारत को एक टीबी मुक्त देश बनाएं।